अर्पित करते हैं, उनको हम याद कर रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा में पहली बार 6 निगमों में चुनाव हो रहा है, परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है, तो उत्सुकता बहुत है। बहुत से लोगों को मौका मिला क्योंकि वार्डों की संख्या बढ़ गई है, और मुझे लगता है कि अब तक का जो पार्टी की तैयारी रही और सब सरकार संगठन ने मिलकर जो काम किया है, मुझे विश्वास है कि जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है उन लोगों को शहर के मतदाता अपना वोट डालेंगे। और 6 के 6 निगमों में भाजपा कुछ भी दावा करे, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे कैंडिडेट्स, हमारी पार्टी, हमारे नेता, सरकार पर जो लोगों का भरोसा है वो बरकरार रहेगा और सभी 6 निगमों में कांग्रेस पार्टी के मेयर बनेंगे। 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, वो कमेटी की ना तो रिपोर्ट आ रही है, हर कोई इंतजार कर रहा है कि क्या कुछ होना है। देखिए, जब हम लोगों ने सब कमेटी के सदस्यों पर छोड़ रखा है तो वो अपने विवेक से काम करेंगे। आप जानते हैं कि अहमद पटेल जी और अजय माकन जी अस्वस्थ हो गए थे बीच में, राहुल जी सोनिया जी विदेश चले गए थे। बहरहाल, जो भी चर्चा उनको करनी है वो अपने स्तर पर कर रहे हैं, लगातार मीटिंग्स भी हो रही हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सब बातों का संज्ञान उनके जहन में है और बहुत जल्द अपने अपने निर्णयों पर वो कमेटी आएगी। सबका हमको जाहिर करना चाहिए, और अब फिलहाल का फोकस हमारा इन चुनावों के ऊपर है, और इसके बाद गांव के चुनाव होंगे, प्रमुख के, प्रधानी के, उस पर भी पार्टी के कार्यकर्ता अभी से तैयारी में लगे हुए हैं। नहीं, ये कहना गलत है। जिनको भी टिकट दिया है वो सब संगठन के कार्यकर्ता थे, किसकी सिफारिश से दिया, क्या फीडबैक आया, जीतने की संभावना किसकी ज्यादा थी, उन सब बातों का निर्णय करने के बाद ही पार्टी ने टिकट दिए हैं। AICC ने अपने ऑब्जर्वर्स भेजे हैं, प्रभारी मंत्री, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, कैंडिडेट जो हमारे हैं, MP, MLA, सब लोगों को साथ लेकर निर्णय किया है। छोटा मोटा कहीं मनमोटा हो सकता है, इतना बड़ा संगठन है, सत्ता में हम लोग हैं, लोगों की आकांक्षाएं ज्यादा बड़ी होंगी। एक वार्ड से अगर 6 लोग टिकट मांग रहे हैं तो एक कोई टिकट मिल सकता है, इसलिए जो पार्टी का अनुशासित और कर्मठ कार्यकर्ता है वो ऑफिशियल उम्मीदवार को ही अपना मत और समर्थन देगा, उसका मुझे पूरा विश्वास है। और कहीं पर अगर प्रतिस्पर्धा ज्यादा है तो वहां पर अभी 1 और 2 दिन का समय है, मुझे लगता है सबसे बात कर हम समझाइश करेंगे और जो ऑफिशियल कैंडिडेट पार्टी ने बनाए हैं उसी को लोग और मतदाता जिताने का काम करेंगे। हाइब्रिड फार्मूला अब भी लागू है और अगर कहीं वोटर की जरूरत है तो फार्मूले का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कि मैं इस बारे में अपनी राय बड़ी स्पष्ट रूप से कह चुका हूँ, मैं बार बार उसको दोहराना नहीं चाहता। सर, बिहार का चुनाव है, मैं MP का भी है, बहुत इस हफ्ते मेरा कार्यक्रम बनेगा मध्य प्रदेश में, उसके बाद मैं बिहार में कैंपेन करने के लिए जाऊंगा। लेकिन बिहार में जो आज माहौल बना है, देखिए आपको समझना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी ने जब ये कोरोना काल में जो श्रमिक हैं उनको अपने हाल पर छोड़ दिया था, कोटा में जो बच्चे बिहार के फंसे हुए थे उनको लाने से मना कर दिया था, और जो शासन की बात अपने आप को हमेशा प्रमुखता से रखते हैं नीतीश कुमार जी, पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, कभी लालू जी के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी लोजपा के साथ, और उनको भी त्याग दिया है, तो कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ करना एक तरह से उनकी परिपाटी बन चुकी है। इसलिए कुछ भी BJP और नीतीश कुमार जी की पार्टी के लोग बोले, लेकिन जो महागठबंधन बना है उसमें कांग्रेस और RJD का जो आज चुनाव अभियान चल रहा है, जो युवाओं से जुड़ाव हो रहा है, बिहार में परिवर्तन होगा और मुझे लगता है कांग्रेस और RJD की साझा सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। केंद्र सरकार की एजेंसी है नेफेड, उसने मोनोपोली खरीद से हाथ खड़े कर दिए हैं, दोनों जो तीनों बिल आए थे केंद्र के तो पास हुए थे, वो आशंका जो विपक्ष की ओर बताई जा रही है। पहले मुझे बताओ, इस BJP सरकार ने शुरू में क्या कहा, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, ऐसा कौन सा किसान इस भारतवर्ष में जिसकी आमदनी दुगनी हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, बजाय इसकी मदद करें, उसको समर्थन दें, आप उसको चौतरफा मार पड़ रही है, महंगाई की मार पड़ रही है, कोरोना की मार पड़ रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, और उसके पश्चात अब ये जो बिल लेकर आए हैं जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, समझना पड़ेगा कि किसान को चारों तरफ से बांधा जा रहा है और किसान की बात हम हमारी पार्टी के नेता उठा रहे हैं। ये जो अलग अलग प्रकरण सामने आ रहे हैं ये दिखाता है कि दिल्ली में केंद्र की सरकार में किसानों की पैरवी, किसानों की बात करने वाला एक भी नेता मंत्री मौजूद नहीं है। मनमाने तरीके से बड़े बड़े निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए नाना प्रकार की स्कीम्स बनाई जाती हैं, लेकिन किस किसान संगठन से बात की, एक बार कोशिश करिए तो किसान संगठन वहां पर आकर बिल की कॉपी फाड़ के चले गए। इतना कम विश्वास केंद्र सरकार पर किसानों का रह गया। किसानों की बात सब करते हैं, लेकिन मैं दावे से कहना चाहता हूं, मनमोहन सिंह जी सरकार में हम लोग मंत्री थे, हर मीटिंग में MSP पर, खरीद पर, प्रिक्योरमेंट पर, बीमा पर, इंश्योरेंस पर, हर जगह हम लोग किसान की बात रखते थे। मुझे खेद है कि केंद्र सरकार की कैबिनेट में कोई भी मंत्री किसानों का पक्ष रखने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता, चाहे वो कृषि मंत्री हो चाहे कोई और मंत्री हो। सर, लगातार आप कहते रहे हैं कि 5 साल जिन्होंने मेहनत की है उनको, कार्यकर्ताओं को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जगह मिलनी चाहिए, लेकिन RPSC में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उससे कार्यकर्ताओं में निराश है। जैसे मैंने कहा, नियुक्तियां करना सरकार संगठन मिलकर इसको करते हैं, किसी की अपनी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मुझे
पूरा विश्वास है कि जो नियुक्ति हम लोग करेंगे उसमें AICC, PCC और प्रदेश की सरकार अपनी राय साझा करेंगे। और मैं दोबारा कह रहा हूँ और हमेशा कहता रहूँगा कि जो लोग पार्टी के लिए समर्पित रहे, जिन्होंने प्रमाणित किया है पिछले एक दशक में, 5 साल में काम कर दिखाया है, जब जाहिर है जो कांग्रेस के साथ चिन्हित रहे, जिन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, जिन्होंने कांग्रेस की हर तरफ मदद करी है छोटे बड़े चुनाव में, उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जानी चाहिए। ये राहुल गांधी जी का मानना है और ये मेरा मानना है, ये कांग्रेस पार्टी का मानना है।